श्रावस्ती जनपद में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत के तहत सीता द्वार मंदिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 अगस्त को श्रावस्ती के सीता द्वार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व विधायक जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष मंडल महामंत्री के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में यात्रा का शुभारंभ भाजपा विधायक ने सीता द्वार से यात्रा का आरंभ कर किया। तहसील इकौना होते हुए श्रावस्ती पहुंचकर यात्रा का समापन किया। तिरंगा यात्रा रैली की अगुवाई कर रहे भाजपा विधायक राम चरण पांडे ने कहा कि सभी से निवेदन करते हुए कि अपने घर में 13 से 15 अगस्त के बीच में एक तिरंगा जरूर लगाएं और इतना लगे कि देश में श्रावस्ती एक नया कीर्तिमान स्थापित होकर इतिहास बने। तिरंगा यात्रा जिन जिन मार्गों से होकर गुजरी, यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। लोगों का देश प्रेम का जज्बा इस यात्रा में देखने को मिला। आजादी में शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर राष्ट्रीय गान के साथ वीर जवानों को याद कर नमन किया गया। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ सैनिक भवन इकौना में पहुंचकर स्वच्छता को देखते हुए हर घर तिरंगा यात्रा के तहत ब्लॉक परिसर इकौना में विधायक ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वयं लेकर के भारत माता सम्मानित है और देश जब हमारा 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उस वक्त एक बहुत बड़ा क्रांति कई लोगों ने भारत में विभाजन की निष्ठा को पैदा कर दिया और हमारे देश को अलग करने का काम किया। तो हम विभिन्न आयोजनों के माध्यम से 9 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम था, 10 तारीख को हमारा हर घर अभियान का कार्यक्रम था कि तिरंगा हम करेंगे 9, 10 और 11 में 12 को भी की 13 तारीख को हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाल करके सीता द्वार माँ जगत जननी के कांगड़ से हजारों मोटरसाइकिलों के साथ हम लोग सीधे यात्रा निकाल करके श्रावस्ती थाने के आगे पहुँच करके और वहाँ से अपने बादल से फोन करके तिरंगा के रोडवेज बस स्टैंड पहुँच करके हम लोगों ने उस कार्यक्रम का समापन किया। और उसी कड़ी में तो दूसरा अभियान था कि हम स्वच्छता अभियान करेंगे, हमारे जो शहीद स्मारक हैं या कोई देव स्थान है वहाँ पर हम स्वयं जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे और उनके शहीदों को उनके स्मारक को उनको नमन भी करेंगे। और 14 अगस्त को हम लोग विभाजन की निर्देशिका थी इस पर एक बृहद गोष्ठी करके और शाम को मौन जुलूस निकाल कर और इसका हम प्रतीकात्मक देश को संदेश देंगे। और 15 तारीख को हर घर तिरंगा फहराए हमारे कार्यकर्ता, हमारे सरकारी सरकारी तंत्र, अर्ध सरकारी तंत्र, शिक्षण संस्थान या विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से हर घर पर तिरंगा हम लोग फहराएंगे और उन वीर शहीदों के याद में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे क्योंकि जिन्होंने ऐसे क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, शहीद हो गए, अपने आप को भारत माँ की गोद में ले गए। जरा गौर कीजिए कि वो कौन सा देश था, ऐसी माँ कि जिनके गोद का लाल इस देश के लिए, इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उस माँ का गोद खाली हो, उस बाप का लाडला बेटा देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जरा उस बहन से पूछिए, उस बहन के माथे के सिंदूर उजड़ गए और उन नन्हे मुन्ने बच्चों से पूछिए जिनके शरीर का, उनके सर का साया हमेशा के लिए उनसे अलग हो गया। मैं उन पूरे परिवार को एक नहीं, हजार बार, लाख बार, करोड़ बार मैं नमन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ और अपने वीर शहीदों के याद में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह तभी परिलक्षित होगा और साकार होगा जिस तिरंगा के लिए उन्होंने देश को, एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब ये तिरंगा हमारा 15 अगस्त 1947 को लहराया
तभी से हम इस तिरंगा को हर घर में लगा करके देश में एक सुखद माहौल, समरसता और प्यार का, एकता का प्रतीक देते हुए उन शहीदों को, तभी ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी जब हर घर में उन शहीदों के लिए एक तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं हमारे विकासखंड इकौना में, हमारे शहीद उदाहरण बन रहे हैं। मैं स्वच्छता अभियान करके और उनको प्रणाम करते हुए सत्ता सुनाते हुए और फिर आगे का जो कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और सबसे बड़ा साधुवाद, धन्यवाद मैं अपने मीडिया जगत के लोगों को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने देश की अखंडता और एकता के प्रतीक मोदी जी के सपने को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपने को, देश का एक एक जब शहीदों के लिए जो कुर्बान है, आप लोगों ने डायरेक्ट लेकर के और मीडिया जगत से जुड़कर